हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। तो मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएजीएस की मेंटोर हूँ। मेरा 3 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। रोहित हाय, और मैंने 20,000 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। ये आपका टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाइए ताकि आपको क्लासेस की अपडेट एंड पीडीएफ मिल जाए। और आप लोगों का, आप जानते हैं एग्ज़ाम आने वाला है, सीजीएल का एग्ज़ाम होना है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग जमकर तैयारी करिए और एक अपना टाइम टेबल बनाइए ताकि आपका एग्ज़ाम जल्दी और इजीली क्रैक हो जाए। व्हाट यू विल गेट हेयर, आपको यहाँ पे क्या क्या, रामायण हेलो, व्हाट यू विल गेट हेयर, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी अगर आप लोग अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस। और आप में से जिस भी बच्चे ने अभी तक अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, सारे बच्चे इंस्टॉल कर लो ताकि आप भी फ्री क्लासेस देख सको मेरी वहाँ पे और बाकी टीचर्स की भी। रोहित हेलो, और जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ले लीजिए, जब भी लीजिएगा 12 या 24 महीने का ही लीजिएगा। रीज़न, क्योंकि एक तो आपको ये सस्ता पड़ेगा और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एसएससी की बात करते हैं तो उसका सिलेबस कंप्लीट होने में भी टाइम लगता है और उसका जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है वो भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा चलता है। तो जब भी सब्सक्रिप्शन ले, 12 या 24 महीने का ले, और इस कोड को लगाना ना भूले, इससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। आप कल तक ये सब्सक्रिप्शन ले लो 28 तक, क्योंकि उसके बाद आपको 1 मार्च से केवल 5% का ही डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। रोहित, अभी करंट के टॉपिक होंगे मिक्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ऑपरेटेड ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस संचालित मेट्रो रेल कहाँ पे शुरू की है? ए कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बी कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एंड डी मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट का अंजलि का ए है, पूजा का ए है, बाकी कोई बच्चा? पूजा और अंजलि, आप दोनों का आंसर ए है। करेक्ट आंसर इज सी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, When will with the investment clearance sell a part of the central government single window system to obtain central and state clearance approval for business become operational? A 15 अप्रैल, B 1 अप्रैल, C 15 मई और D 1 मार्च 2021। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नंबरिंग करके आंसर देना सारे, सभी नंबरिंग करके आंसर देना। क्वेश्चन नंबर टू का बताओ जल्दी, क्या होगा टू का? क्वेश्चन नंबर टू, तो टू का सभी का, भास्कर हेलो, टू का अभी तक किसी ने भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर टू, रामायण का टू का बी, अभिषेक का ए, करेक्ट आंसर इज ए, 15 अप्रैल 2021। अभिषेक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंट्री रिसेंटली फाइनलाइज्ड अ बायलेटरल राइस डील विद इंडियाज नाफेड ऑन दिसंबर 2020? किस देश ने हाल ही में दिसंबर 2020 में भारत के नाफेड के साथ द्विपक्षीय चावल समझौता किया है? थर्ड, फटाफट से आंसर करो, थर्ड का क्या होगा? हेलो भास्कर, अंजलि सचान का थर्ड का ए, सिर्फ अंजलि ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे कहाँ हो? अंजलि सचान थर्ड का ए आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इज द करेक्ट आंसर बांग्लादेश, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर।
रामायण का भी ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ मेड फास्टैग मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल फ्रॉम 1 जनवरी 2021। विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज टू मेक पेमेंट थ्रू फास्टैग? ए ब्लूटूथ लो एनर्जी, बी अल्ट्रा वाइड बैंड, सी बीकॉन्स एंड डी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अभिषेक आज अन अकेडमी पे क्लास नहीं है, जल्दी से बताइए फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या होगा। फोर्थ का अभिषेक, अंजलि का फोर्थ का डी, और अंजलि आपका फोर्थ का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेयर वॉज द ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर फॉर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाई PM नरेंद्र मोदी ऑन December 2020? हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2020 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ बनवाया गया? ए गुवाहाटी, बी सिलीगुड़ी, सी प्रयागराज एंड डी चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेट किसका स्लो है? फिफ्थ का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर पांच, अभी नहीं, मेरा नेट बिल्कुल भी स्लो नहीं है, आप लोगों के आंसर स्लो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, अंजलि का फिफ्थ का सी, और अंजलि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रामायण का भी सी बिल्कुल ठीक है। सिक्स, बिटवीन विच स्टेट्स वर द 100 किसान रेल फ्लैग्ड ऑफ वर्चुअली बाय PM मोदी? PM मोदी ने किन राज्यों के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? ए महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, बी तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश, सी गुजरात एंड राजस्थान एंड डी पंजाब एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर छः, अंजलि रामायण दोनों का आंसर ठीक था, पांच का, आप छह का बताओ। अंजलि का छह का ए, जानकी का भी छह का ए, और ए इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र एंड बंगाल, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ टीमिंग एग्रीमेंट विद UK थेल्स टू डेवलप स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हाँ अभिषेक आपका भी आंसर ठीक है। किस संगठन ने भारत में स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने के लिए UK के थेल्स के साथ टीमिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सी DRDO एंड डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर सात, भूपेंद्र का DRDO, अभिषेक का सी, बट करेक्ट आंसर इज बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, करेक्ट आंसर इसका होगा बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर एट, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 2-डे वर्चुअल इवेंट प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021? किन देशों ने 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 में भाग लिया? ए ब्रिक्स, बी एशियान, सी ओपेक एंड डी बिम्सटेक। क्वेश्चन नंबर एट, रूबी गुड इवनिंग, रामायण का सेवंथ का बी था और भूपेंद्र का भी सेवंथ का बी बिल्कुल ठीक था। क्वेश्चन नंबर एट, हैप्पी का एट का बी और रामायण का सी और भूपेंद्र का बी, ज्योति का सी, बट करेक्ट आंसर इज डी भीमस्टैक, डी इज द करेक्ट आंसर, बीमस्टेक इज द करेक्ट आंसर है, और अंजलि सचान का आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेंथ, PM मोदी रिसेंटली अनाउंस्ड अ सीड फंड वर्थ ₹1,000 करोड़ फॉर डैश एज ऑफ January 2021। PM मोदी ने हाल ही में January 2021 तक डैश के लिए 1,000 करोड़ रुपए के बीज कोष की घोषणा की है। ए स्टार्टअप, बी CSR फंड, सी ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 एंड डी फिशरीज सेक्टर। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ,
तो बैलून बोल रहे थे, आप पैराशूट बना दिया। क्वेश्चन नंबर 9th का बताइए जल्दी। अभिषेक का जी था 8th का करेक्ट। 9th का बताओ, भूपेंद्र का 9th का सी आ रहा है, अंजलि का ए आ रहा है, रामायण का ए आ रहा है। अंजलि रामायण आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। स्टार्टअप्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, विच एक्ट गॉट अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट फॉर इट्स अमेंडमेंट एज अ रिफॉर्मेटिव मूव टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय सॉल्विंग लेगेसी इश्यूज ऑफ द एज ओल्ड एक्ट इन जनवरी 2021। केंद्रीय मंत्रिमंडल को जनवरी 2021 में पुराने अधिनियम की विरासत के मुद्दों को हल करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक सुधारकारी कदम के रूप में संशोधन के लिए किस अधिनियम को मंजूरी मिली। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ अभिषेक, मुझे आपका 9th का आंसर बी मिला है, बट करेक्ट आंसर ए था 9th का। क्वेश्चन नंबर 10, भूपेंद्र का डी, विश्वीर का सी, एंड विश्वीर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है सी। माइंस एंड मिनरल इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर होगा। 11th, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेल 10% ऑफ स्टेक ऑफ डैश एज ऑफ जनवरी 2021। भारत सरकार ने जनवरी 2021 तक डैश की 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। ए सेल, बी LIC, सी NTPC एंड डी गेल। क्वेश्चन नंबर 11, नेट स्लो है क्या? रुको दोबारा मैं देखती हूँ, मैं दोबारा से चेक करती हूँ नेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर होगा ए सेल, सेल इज द करेक्ट आंसर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 12th, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 डेट टुक प्लेस इन बैंकॉक थाईलैंड इन जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12th का सारे बच्चे का आंसर आ रहा है डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, कैरोलिना मरीन। 13th, हु रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 2 इन बैडमिंटन मेंस कैटेगरी इन द वर्ल्ड जूनियर रैंकिंग रिलीज्ड बाय BWF इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में BWF द्वारा जारी विश्व जूनियर रैंकिंग में पुरुष बैडमिंटन वर्ग में विश्व में किसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13 का भूपेंद्र का ए, जानकी का ए, एंड भूपेंद्र और जानकी दोनों का ए बिल्कुल ठीक है, वरुण कपूर ए इज द करेक्ट आंसर। रामायण का सी, सलमा का ए, अभिषेक यादव का भी ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑथर द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक किसने लिखी है। ए प्रमोद सावंत ने, बी ए शिवांतु पिल्लई ने, सी वामन शुभा प्रभु ने, एंड डी ओम बिरला ने। क्वेश्चन नंबर 14, 14, अभिषेक कुमार का 14 का सी। अंजलि का सचान का सी, भूपेंद्र का बी, एंड 14 का करेक्ट आंसर होगा सी, वामन शुभा प्रभु ने। सी इज द करेक्ट आंसर। राकेश का ए, सलमा का सी, रूबी का सी, ज्योति का सी, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट सेलिब्रेट्स मिशनरी डे एनुअली ऑन जनवरी 11। कौन सा राज्य 11 जनवरी को प्रतिवर्ष मिशनरी दिवस मनाता है। ए मिजोरम, बी आसाम, सी नागालैंड, एंड डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सलमा बेगम का 15 का सी, राकेश का सी, अंजलि का ए,
मैक बॉय का डी, अभिषेक का सी, सभी का सी है, अंजलि सचान का ए। और अंजलि का आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों ही अंजलि का आंसर बिल्कुल ठीक है, अंजलि बरुआ का भी सचान का भी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 16, पावर चाइना हाइड्रो पावर कंपनी ऑफ चाइना इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट डाउन स्ट्रीम डैम ऑन यारलुंग जांगबो रिवर इन तिब्बत। द यारलुंग जांगबो रिवर इज नोन एज डैश इन इंडिया। ए इंडस, बी गंगेज, सी ब्रह्मपुत्र एंड डी सतलुज। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का बताइए। भूपेंद्र का 16 का सी, जानकी का भी 16 का सी, अंजलि का भी सी, सलमा का भी सी, एंड 16 का सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 17, द सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी विल बी रिनेम्ड टू सऊदी सेंट्रल बैंक अंडर अ न्यू लॉ अप्रूव्ड बाय सऊदी अरेबियाज किंग। हु इज द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 का सभी बच्चों का ए आ रहा है, सलमा का। और बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दो, रामायण का भी ए, ज्योति का बी, और 17 का आंसर होगा बी, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अंजलि सचान का भी बी बिल्कुल ठीक है, रूबी का भी बी बिल्कुल ठीक है, ज्योति का भी बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पीफिजर बायोनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन। ए रशिया, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी यूएस। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? जानकी का 18 का ए आ रहा है, और अभिषेक का भी ए आ रहा है, हैप्पी का बी, अमृता का ए, भूपेंद्र का बी। करेक्ट आंसर इज बी, ब्रिटेन। बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020 एंड 2021 वेजेस एंड मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ कोविड-19 वॉज रिलीज बाई विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, अभी तक जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 19, अमृता का 19 का ए, भूपेंद्र का डी, रूबी का ए, राकेश का डी। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर इज डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंजलि सचान का भी डी था, डी इज द करेक्ट आंसर, अभिषेक का एक था। क्वेश्चन नंबर 20, हु वर्चुअली एड्रेस द फोर्थ साउथ एशिया फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएनईएस सीएपी एंड गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी निर्मला सीतारमन एंड डी नित्यानंद राय। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? ट्वेंटी का अंजलि का ए है, शैलेश का डी है, अभिषेक का डी है, और शैलेश का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी नित्यानंद राय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, शैलेश का आंसर बिल्कुल ठीक है, एंड केवल शैलेश का ही आंसर ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, नित्यानंद राय। 21, विच स्टेट रिसीव्ड 74.31 करोड़ फ्रॉम द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ट्रांच 26 टू स्ट्रेंथन रूरल कनेक्टिविटी एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ए आसाम, बी सिक्किम, सी नागालैंड एंड डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का बताओ। नंबरिंग करके आंसर दोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभिषेक का 21 का बी, अमृता का
उपेंद्र का डी, ज्योति का बी, हैप्पी भारद्वाज का बी। करेक्ट आंसर इज डी, मेघालय। ठीक है, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेघालय होगा। 22, नेम द जलना महाराष्ट्र बेस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विच हैज बीन इम्पोस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल फ्रॉम 6 months फ्रॉम नवंबर 17, 2020। ए करद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बी नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सी अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड डी मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन नंबर 22, 21 का जिसने भी डी दिया करेक्ट था उनका, 22 का बताओ। भूपेंद्र का 22 का सी। अभिषेक का ए, अंजलि का डी, रूबी का ए। करेक्ट आंसर केवल अंजलि ने दिया, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। डी इज द करेक्ट आंसर। और अंजलि सचान का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, और अभिषेक यादव का तो गलत है, ज्योति सिंह का भी ठीक है। 23, द इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकमेंडेड एंड इंक्रीज इन द प्रोमोटर्स स्टेक टू डैश परसेंट फ्रॉम 15% ऑफ द पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बैंक। ए 18%, बी 20%, सी 23% एंड डी 26%। क्वेश्चन नंबर 23, का सलमा बेगम का बी और भूपेंद्र का 20%, अंजलि का डी। तो करेक्ट आंसर इज डी, 26%, और अंजलि का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 23% इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर है, रूबी का भी डी बिल्कुल ठीक है, ज्योति का भी। 24, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द वैतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेरी वर्क ऑफ इंडिया। भारत के साहित्यिक कार्यों में उनके योगदान के लिए किसे वैतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ए रमेश पोखरियाल निशंक को, बी रविशंकर प्रसाद को, सी प्रकाश जावड़ेकर को एंड डी मनोज तिवारी को। क्वेश्चन नंबर 14, अंजलि सचान का 24 का ए, ज्योति का ए, भूपेंद्र का डी एंड करेक्ट आंसर इज ए, रमेश पोखरियाल निशांक। ठीक है, 24th का ए इज द करेक्ट आंसर। शैलेश का भी ए बिल्कुल ठीक है, दीपक का भी ए ठीक है, सलमा का भी, अभिषेक कुमार यादव का भी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 23rd एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट 2020 हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम नवंबर 19, 2020 टू 2020? ए नेक्स्ट इज नाउ, बी इनोवेटिव एंड इम्पैक्ट 2.0, सी इनोवेशन एंड इम्पैक्ट, सी आइडिएट इनोवेट एंड इन्वेंट। क्वेश्चन नंबर 25, श्रवण नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 25, नंबरिंग करके आंसर दिया करो प्लीज। 25 का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है डी एंड करेक्ट आंसर इज ए, नेक्स्ट इज नाउ, और केवल अंजलि सचान ने करेक्ट आंसर दिया है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच एडिशन ऑफ द G20 लीडर समिट वॉज हेल्ड ऑन नवंबर 21 एंड 22, 2020 बाई सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 26, प्लीज नंबरिंग करके आंसर दीजिए आप लोग, फिर पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। छब्बीस का शैलेश का सी है, भूपेंद्र का सी है, अंजलि का सी है एंड 26 का सी इज द करेक्ट आंसर। 15, श्रवण का भी सी, अभिषेक का भी सी, सलमा का भी सी एंड सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज एंड नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी, रॉयल थाई नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी फ्रॉम नवंबर 21 एंड 22, 2020 एट अंडमान सी। ए पैसेक्स, बी सिटमैक्स, सी मालाबार एंड डी एक्स बोंगो सागर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का बताओ।
27 का सभी बच्चों का ए और बी आ रहा है, करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, सेट मैक्स 20 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? बी है करेक्ट आंसर। मैनी शैलो, शैलेश का बी, रामायण, अंजलि, सलमा, सभी ने बी दिया और बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सेंटिनल 6 माइकल फ्रेलिक अ सैटेलाइट टू मॉनिटर राइजिंग ग्लोबल सी लेवल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? ए नासा, बी रॉस कॉस्मस, डी ईएसए एंड डी बोथ 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा? अभिषेक का 28 का बी, सलमा का ए, अंजलि का सी और भूपेंद्र का डी। एंड भूपेंद्र आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बोथ 1 एंड 3, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, बियर हैज रोडिड मॉस हाइलोस्टेडाइज बीन फाउंड? ए तेलंगाना, बी वेस्ट बंगाल, सी मेघालय एंड डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 29, अभिषेक यादव का 29 का सी, अंजलि सचान का 29 का सी, श्रवण का सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, मेघालय, जयंतिया हिल्स, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ऑस्ट्रेलिया शाइना जैक वॉज बैंड फॉर 2 ईयर्स 2020 फॉर एक्सीडेंटल डोपिंग, शी विल बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? ए टेनिस, बी वेट लिफ्टिंग, सी रेसलिंग एंड डी स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 30, अंजलि का 30 का डी, भूपेंद्र का डी, नैनिश का सी, सलमा का डी, ज्योति का डी, भूपेंद्र का डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, स्विमिंग। किससे संबंध था उनका, कौन से गेम से? स्विमिंग से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, द थर्ड फेज ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन विल बी कमेंस्ड फ्रॉम विच मंथ? एक जनवरी 2021, बी मई 2021, सी अप्रैल 2021 एंड डी दिसंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 31, कल्याण जी हाय, क्वेश्चन नंबर 31 का बताइए। अभिषेक का 31 का सी, अंजलि का ए, भूपेंद्र का सी, ज्योति का सी, श्रवण का सी, सलमा का ए। अंजलि एंड सलमा आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, जनवरी 2021 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, इन विच स्टेट अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड? ए सिक्किम, बी आसाम, सी त्रिपुरा एंड डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 32 का बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 32, अंजलि का 32 का बी, भूपेंद्र का सी, श्रवण का बी, सलमा का बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर, आसाम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आसाम। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय हु लॉन्च माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन रिसेंटली? मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया है। ए जोराम थंग, बी सर्वनंदा सोनबाल, सी पेमा खांडू एंड डी कोनार्ड सांगमा। क्वेश्चन नंबर 33, अभिषेक का 33 का ए, अंजलि का डी, सलमा का डी, नैनिश का डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, कोनार्ड सांगमा। क्या होगा करेक्ट आंसर? डी होगा करेक्ट आंसर, कोनार्ड सांगमा। 34th, द प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा फॉर्मली ज्वाइंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज डैश मेंबर्स? ए 189, बी 190, सी 191 एंड डी 188। क्वेश्चन नंबर 34th, क्वेश्चन नंबर 34th,
अभिषेक का डी, भूपेंद्र का 190 बी, अंजलि सचान का बी, अभिषेक का बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर 190। ठीक है, 190 इज द करेक्ट आंसर। सलमा का भी बी। 35, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मॉक सुनामी ड्रिल विच वाज कंडक्टेड बाय इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा? अंजलि का 35 का डी है, अभिषेक का ए है, श्रवण का बी है, ज्योति का डी है, एंड क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट आंसर इज डी। क्या होगा? डी, IOWAVE 20। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 35 आंसर इज डी, IOWAVE 20। क्वेश्चन नंबर 36, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक आर अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किस कौन नियुक्त किए जाते हैं? ए प्रेसिडेंट, बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, एंड डी फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीस का क्या होगा? छत्तीस का, श्रवण का 36 का डी, एंड करेक्ट आंसर इज बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर्स करेंटली इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक में वर्तमान में कितने उप गवर्नर है? क्वेश्चन नंबर 37। छत्तीस का अंजलि सचान का एंड ज्योति का आंसर बिल्कुल ठीक था, और अभिषेक यादव का भी ठीक था। अब 37 का बताओ। तो 37 का अभिषेक यादव, अंजलि सचान, भूपेंद्र, श्रवण, सभी का आंसर है बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अभी टोटल कितने डेप्यूटी गवर्नर है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 38, DICGC इज वन ऑफ द फुली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ RBI, द फुल फॉर्म ऑफ DICGC इज? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, नैनिश का 38 का बी, श्रवण का ए, भूपेंद्र का डी, अभिषेक का बी, अंजलि सचान का सी, एंड अंजलि का आंसर बिल्कुल ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 38 का आंसर सी बिल्कुल ठीक है अंजलि का, सलमा का भी सी बिल्कुल ठीक है, ज्योति का भी सी बिल्कुल ठीक है, एंड रामायण का भी सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, शेड्यूल्ड बैंक मीन्स द बैंक विच कम्स अंडर ए शेड्यूल फर्स्ट ऑफ RBI एक्ट, बी शेड्यूल सेकेंड ऑफ RBI एक्ट, सी शेड्यूल थर्ड ऑफ RBI एक्ट, एंड डी शेड्यूल फोर्थ ऑफ RBI एक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा? अभिषेक का 39 का डी है, रामायण का डी है, अंजलि का बी है, भूपेंद्र का डी है। 39 करेक्ट आंसर इज बी, शेड्यूल टू ऑफ RBI एक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी होगा करेक्ट आंसर। ज्योति का, सलमा का, अंजलि का करेक्ट आंसर था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40, लीड बैंक सिस्टम वॉज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? लीड बैंक प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिशों पर की गई थी? क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, का श्रवण का बी, भूपेंद्र का ए, अंजलि का सी, भूपेंद्र का ए। करेक्ट आंसर केवल अंजलि, सलमा और ज्योति ने दिया है सी, नरीमन कमेटी। करेक्ट
करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नरीमन कमेटी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अभिषेक यादव का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, नरीमन कमेटी। 41, विच स्टेट सेलिब्रेट्स थिरुवल्लुवर डे ऑन द सेकेंड डे ऑफ द थाई मंथ इन ऑनर ऑफ द सेंट पोएट थिरुवल्लुवर? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी गोवा एंड डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 41। किसका नेट स्लो हो रहा है सलमा? मेरा तो नेट सही चल रहा है। 41 का, अंजलि का बी, श्रवण का बी, अभिषेक का बी, ज्योति का बी एंड 41 करेक्ट आंसर इज बी तमिलनाडु। 42, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आर्मी डे को भारत में कब मनाया जाता है? 42, का सभी का सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है आर्मी डे? 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच कंट्री डिड द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट, अ लाइफ साइज फिगर ऑफ अ वाइल्ड पिग दैट वॉज पेंटेड एटलीस्ट 45,500 ईयर्स अगो? किस देश में पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा का कला एक जंगली सुअर की आदमकद तस्वीर मिली जो कम से कम 45,500 साल पहले चित्रित की गई थी? ए म्यांमार, बी इंडोनेशिया, सी इजिप्ट एंड डी थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 43। श्रवण का 43 का बी, उमेर का बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, इंडोनेशिया। 44, विच ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वोन द कायाकल्प अवार्ड अंडर द बी कैटेगरी ऑफ क्लीनिनेस फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? ए एम्स दिल्ली, बी एम्स ऋषिकेश, सी एम्स भटिंडा एंड डी एम्स भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 44। अभिषेक कुमार यादव 44 का डी, अंजलि का डी, उमेर का सी, भूपेंद्र का सी, ज्योति का डी एंड 44 करेक्ट आंसर इज डी, एम्स भुवनेश्वर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्स भुवनेश्वर होगा। 45th, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हु रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ए दुष्यंत दावे, बी राजेश भाटिया, सी विक्रम सरधना एंड डी सुशील कुमार। क्वेश्चन नंबर 45। अंजलि सचान 45 का ए, श्रवण का बी, अभिषेक का ए, उमेर का ए, ज्योति का ए, सलमा का ए एंड ए इज द करेक्ट आंसर, दुष्यंत दावे। ठीक है, 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए दुष्यंत दावे। 46, विच कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, अ स्टेप डाउन सब्सिडियरी ऑफ फिनटेक फर्म FIS? कौन सी कंपनी फिनटेक फर्म FIS की एक कदम नीचे सहायक कंपनी पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड का अधिग्रहण करने जा रही है? ए टेक महिंद्रा, बी विप्रो, सी लार्सन एंड टार्बो एंड डी इंफोसिस। क्वेश्चन नंबर 46। गणेश सिंह का 46 का इंफोसिस, अभिषेक का भी इंफोसिस, अंजलि का ए, भूपेंद्र का लार्सन एंड टार्बो और भूपेंद्र आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लार्सन एंड टार्बो। लार्सन एंड टोब्रो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स पोर्टल अलोंग विद फोर इंडियन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस फिगर्ड इन द लेटेस्ट 2020 रिव्यू ऑफ नोटोरियस मार्केट फॉर काउंटरफिटिंग एंड पायरेसी इशूड बाय द ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव? ए जेबोंग, बी शॉपक्लूज, सी स्नैपडील एंड डी मिंत्रा। क्वेश्चन नंबर 47। 47, भूपेंद्र पीडीएफ मैं इकट्ठे अभी भेज दूंगी टेलीग्राम पे।
उमेर का 47 का डी, अंजलि का सी, श्रवण का डी, ज्योति का सी, सलमा का सी, भूपेंद्र का पता नहीं क्या है, ज्योति का सी। 47 करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, स्नैपडील। जिन भी बच्चों ने दिया सी उनका सभी का जवाब ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। 48, विच कंपनी टॉप द हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2020 इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएबल कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी अमेजॉन एंड डी आईबीएम। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, श्रवण का 48 का सी, अंजलि का 48 का ए, भूपेंद्र का सी, चंद्र प्रकाश का ए, ज्योति का ए, कंगकन सोनोवाल का ए, सलमा का ए, एंड 48 करेक्ट आंसर इज ए एप्पल। ठीक है, जिनका भी आंसर एप्पल है उनका करेक्ट आंसर है। दीपक, आपको टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर लीजिए। 49th, रियल्टी फॉर्म महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू विद विच बैंक फॉर फास्टर होम लोन अप्रूवल। ए पंजाब नेशनल बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक एंड डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49th, टेलीग्राम चैनल एट द रेट एसएससी एनग्रेव सर्च कर लीजिए या फिर लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम सर्च कर लीजिए। तो 49 सलमा का सी है, ज्योति का सी है और श्रवण का ए है, भूपेंद्र का आईसीआईसीआई, चंद्र प्रकाश बी, सलमा सी, गणेश का एसबीआई एंड 49 करेक्ट आंसर इज डी एसबीआई। तो जो भी बच्चे डी बोले उन सभी का आंसर ठीक है, 49 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। 50, तरन कुतोनिया एक्टर फ्रॉम विच कंट्री पास्ड अवे रिसेंटली। ए कैनेडा, बी स्वीडन, सी जापान एंड डी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 50, 50 का क्या होगा? अंजलि सचान का 50 का ये होगा। बाकी बच्चे भूपेंद्र का भी ए है एंड ए इज द करेक्ट आंसर कनाडा। कहाँ से बिलोंग करते थे? कनाडा से बिलोंग करते थे। कंगकन का भी ए है और ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, रामायण, ज्योति, सलमा, श्रवण, गणेश सभी का ये बिल्कुल करेक्ट है। 51, विच स्टेट सेलिब्रेटेड माघ और भोगाली बिहू विद ट्रेडिशनल फर्बर एंड एंग्जायटी। ए त्रिपुरा, बी आसाम, सी बिहार एंड डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 51, श्रवण बी, अंजलि बी, भूपेंद्र बी, दीपक का ए, ज्योति का बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा स्टेट मनाता है? आसाम मनाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टेट सेलिब्रेटेड कनुमा द फेस्टिवल ऑफ कैटल ऑन द थर्ड डे ऑफ संक्रांति फेस्टिवल। किस राज्य ने संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन पशुओं का त्योहार कनुमा मनाया? भूपेंद्र, टोटल 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, अंजलि का 52 का डी, देवानंद का ए, राकेश का ए, ज्योति का डी, चंद्र प्रकाश का बी एंड करेक्ट आंसर इज डी, तेलंगाना। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर 52 का। 53, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में पहली बार आइस क्लाइंबिंग उत्सव कहाँ मनाया गया? ए शिंगोला, बी नुब्रा वैली, सी गुरुंग वैली एंड डी टैंगलेंगला। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्र प्रकाश का बी, अंजलि का 53 का बी, सलाम का सी, ज्योति का बी, गणेश का ए एंड 53 करेक्ट आंसर इज बी, नुब्रा वैली। ठीक है, 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नुब्रा वैली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44,
54th, which country hosted the fourth One Planet Summit through video conferencing themed Let's Act Together for Nature? A. France, B. Austria, C. Netherlands, and D. Saudi Arabia. Question number 54. श्रवण का 54 का बी, अंजलि का 54 का ए, देवानंद का ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर, ज्योति का भी ए, और ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस होगा. ठीक है, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर. 45. With which country India shared 85th rank in the list of world most powerful passport by Henley and Partners Passport Index of 2021? Question number 55, sorry. Question number 55. पचपन का श्रवण का डी है, चंद्र प्रकाश का ए है, एंड पचपन का गणेश का उज्बेकिस्तान है. करेक्ट आंसर होगा डी, और श्रवण का आंसर डी बिल्कुल ठीक है, ताजिकिस्तान. ठीक है, पचपन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा. क्वेश्चन नंबर 56. विच बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जैक किसान टू एक्सपेंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस इन कर्नाटका? क्वेश्चन नंबर 56. देवानंद का 56 का बी, अंजलि का 56 का बी, गणेश का बी, सोनवाल का बी, हर्ष का बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक. भूपेंद्र का भी, ज्योति का भी, रामायण का भी, सभी का आंसर बी बिल्कुल ठीक है. 57. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has cancelled the license of Vasant Dada Nagari Sahkari Bank Limited. It is situated in A. Sangli, B. Kolhapur, C. Osmanabad, and D. Ahmednagar. Question number 57. Anjali Sachan 57 ka C, Shravan ka B, Ganesh ka A. क्वेश्चन नंबर 57. केवल अभी तक अंजलि और ज्योति ने सही आंसर दिया है, सी ओस्मानाबाद. सी इज द करेक्ट आंसर, ओस्मानाबाद महाराष्ट्र. 58. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्ड विद नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन टू एक्सेलरेट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इन इंडिया? ए भारतीय एयरटेल, बी रिलायंस जियो, सी वोडाफोन इंडिया, सॉरी वोडाफोन आइडिया, एंड डी बीएसएनएल. क्वेश्चन नंबर 58. देवानंद का 58 का ए है, सलाम का सी है 57 का, श्रवण का 58 का ए है, गणेश का बी है, सोनवाल का ए, हर्ष का सी है, भूपेंद्र का ए है, ज्योति का सी है. 58 करेक्ट आंसर इज ए, भारतीय एयरटेल इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. फॉर सप्लाइंग COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन टू विच कंट्री इंडिया हैज भारत बायोटेक साइंड एन एग्रीमेंट विद प्रिशिका मेडी केमेंटोस ऑफ द फॉर्मर कंट्री? ए ब्राजील, बी साउथ अफ्रीका, सी यूएई, एंड डी अर्जेंटीना. क्वेश्चन नंबर 59. सलमा 59 का बी, गणेश का ब्राजील 59 का, भूपेंद्र का ए, श्रवण का बी, अंजलि का ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर, ब्राजील होगा करेक्ट आंसर. ठीक है, ब्राजील इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. विच ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू लॉन्च द रिवैम्प्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म?
ए अमेजॉन, बी स्नैपडील, सी शॉपक्लूज एंड डी फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 60। हाँ विशाल, बस आज के लिए ये रूटीन रिवर्स हुआ है। 7-8 तारीख से जब भी क्लास दोबारा से कंटिन्यू होगी तो रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 60 का, सलमा का डी, गणेश का अमेजॉन, सलाम का सी, देवानंद का डी, संतोष का डी एंड क्वेश्चन नंबर 60 आंसर इज डी फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो जिसका भी आंसर डी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी फ्लिपकार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021। कौन सा देश 2021 में विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी करेगा? ए सिंगापुर, बी जर्मनी, सी ब्राजील एंड डी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। हर्ष का भी 60 का डी बिल्कुल ठीक था। श्रवण का 61 का डी, हर्षवर्धन का डी, भूपेंद्र का ए, अंजलि सचान का ए और भूपेंद्र और अंजलि दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, सिंगापुर। ज्योति का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, सोनवाल का भी ठीक है, विशाल का भी ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर इन अ प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग? ए अदिति चौहान, बी मैमोल रॉकी, सी दालिमा चिब्बर एंड डी बाला देवी। क्वेश्चन नंबर 62, 62 का बताओ। श्रवण का 62 का ए, चंद्र प्रकाश का डी और अंजलि का डी, सलमा का ए, भूपेंद्र का बाला देवी। क्वेश्चन नंबर 62 करेक्ट आंसर इज डी बाला देवी। ठीक है, बाला देवी इज द करेक्ट आंसर, डी होगा करेक्ट आंसर, बाला देवी। क्वेश्चन नंबर 63, विच वॉज इंडियाज मोस्ट सर्च वर्ड ऑन गूगल इन 2020? ए कोरोना वायरस, बी यूएस इलेक्शन, सी कोब ब्रायंट एंड डी इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन नंबर 63, अंजलि का 63 का डी, हर्ष का 63 का ए, ज्योति का डी, भूपेंद्र का ए। हर्ष लगता है तुम भी पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारे भी ज्यादातर हर्ष गलत ही होते हैं। ज्योति का भी डी, सलमा का भी डी, सोनवाल का ए एंड 63 करेक्ट आंसर होगा डी, आईपीएल। ठीक है, 63 का क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का क्या रैंक है? हाँ तो एबीसीडी की बुक उठा लो, तुमको जरूरत है अभी। तो 64th का भूपेंद्र का डी, गणेश का 13, संतोष का ए, श्रवण का डी एंड 64 करेक्ट आंसर क्या होगा, अंजलि का भी डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10th इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा 64 का, 10th। क्वेश्चन नंबर 65, विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ USD 2.5 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंस टू सपोर्ट एडवांस्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट इंडिया? ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 बताइए जल्दी। अंजलि का बी, सलमा का ए, श्रवण का डी, सोनवाल का ए, सनी आदित्य का डी, गणेश का बी, संतोष का बी, अंजलि का बी। 65 करेक्ट आंसर इज डी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, डी इज द करेक्ट आंसर। ओ इसका बी ही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी,
एशियन डेवलपमेंट बैंक। 66 विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ नेबरहुड बैंकिंग चैनल मणिमित्रा? ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी जनालक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड डी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या होगा? अंजलि सचान 66 का ए। क्वेश्चन सलमा का ए, ज्योति का ए, सोनवाल का ए, विशाल का ए एंड ए इज द करेक्ट आंसर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 67। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री अंडर विच इनिशिएटिव? ए पी एम डब्ल्यू एन, बी पी एम वाई फाई, सी पी एम वानी एंड डी पी एम वांड। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बताओ। अंजलि सचान 67 का सी, श्रवण का सी, ज्योति का सी, भूपेंद्र पीएम वानी, रामायण का सी, गणेश का ए, ज्योति का सी। क्वेश्चन नंबर 67 करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो जो भी बच्चे सी बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, पीएम वानी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन? अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सिक्सटी एट, अंजलि का डी है, श्रवण का बी है, भूपेंद्र का बी, विशाल का डी, गणेश का सी, सलमा का डी। क्वेश्चन नंबर 68 करेक्ट आंसर इज डी, अनिका सोरेनस्टैम। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, जो भी बच्चे डी बोल रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। 69। अनिंदिया बनर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ए जर्मनी, बी स्पेन, सी जापान एंड डी नॉर्थ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का बताओ। आदित्य प्रणाम 69, प्रदीप का डी, अंजलि का डी, श्रवण का ए, प्रदीप पाटिल कोरिया। क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट आंसर होगा क्या? कोरिया। ठीक है, सोनवाल, सलमा, प्रदीप, भूपेंद्र का तो गलत है, बाकी सबका सही है, डी नॉर्थ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स 2020 की सूची में सबसे ऊपर है, 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में? ए एंजेला मर्कल, बी क्रिस्टिन लागार्डे, सी जेसिंडा अर्डेन एंड डी मेलिंडा गेट्स। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 का प्रदीप का ए, चंद्र प्रकाश का ए, कोमल गुप्ता का ए, श्रवण का ए, गणेश का, मिलिंदा, संतोष का ए, अंजलि का ए एंड ए इज द करेक्ट आंसर, एंजेला मेरकल। क्वेश्चन नंबर 71। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्स बाय आरबीआई? क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 श्रवण का, 71 का डी, भूपेंद्र का डी, अंजलि का ए, प्रदीप का ए, श्रवण ए, सनी आदित्य का डी, भूपेंद्र का, मिश्रा जी एंड 71 करेक्ट आंसर इज ए, जयंत कुमार दास।
तो जिन भी बच्चों का ए है उनका करेक्ट आंसर है जयंत कुमार दास। 72 विच स्टेट गवर्नमेंट द फायर पार्क अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द कंट्री टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑन फायर सेफ्टी मेजर्स। ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश एंड डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 72 बताओ, 72 का क्या होगा? श्रवण का 72 का ए, अंजलि का ए, सलमा का ए। सलमा का सी है। क्वेश्चन नंबर 72 करेक्ट आंसर इज ए, उड़ीसा। ठीक है, संतोष का सी, ज्योति का ए, रामायण का ए। ए इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा। 73 विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन इन MOU फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 बताइए। आदित्य का 73 का ए है। अनअकैडमी पे क्लास नहीं होगी आज। गणेश का ए है, प्रदीप का ए है, श्रवण का डी, सलमा का बी एंड 73 करेक्ट आंसर इज बी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात इज द करेक्ट आंसर। 73 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ज्योति का, रामायण का, सबका ठीक है, भूपेंद्र का भी ठीक है। 74th which multi-agency military exercise was held by Indian Navy involving 13 coastal states of Union territories to further bolster maritime security and surveillance? Question number 74. श्रवण का 74th का ए, प्रदीप का 74th का डी, चंद्र प्रकाश का 74 का सी, कोमल गुप्ता का बी, प्रदीप का सी, विजिल डी 74th का, अंजलि सचान डी, भूपेंद्र का समुद्र शक्ति। करेक्ट आंसर इज डी, सी विजिल। ठीक है, तो जो भी बच्चे डी बोल रहे हैं उन सभी का आंसर ठीक है, सी विजिल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सिचुएटेड। ए जेनेवा, बी स्टॉकहोम, सी वियना एंड डी पेरिस। क्वेश्चन नंबर 75 का सभी का सी एंड डी और ए। और क्वेश्चन नंबर 75 अंजलि सचान का ए, त्रिपुरारी का ए, भूपेंद्र का ए, कोमल का ए, सलमा का ए, तो जिनका भी ए है बिल्कुल करेक्ट है, जिनेवा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 इग्मे डोलमा एंड SP ऑफ लद्दाख पुलिस सिक्योर्ड फोर्थ पोजीशन इन विच मैराथन। ए जकार्ता मैराथन, बी ढाका मैराथन, सी काठमांडू मैराथन एंड डी थिम्फू मैराथन। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 76 श्रवण का 76 का बी, अंजलि का बी, त्रिपुरारी का बी, प्रदीप का ए, ज्योति का बी। 76 करेक्ट आंसर इज बी, ढाका मैराथन 2021। सलमा का भी बी, अंजलि का बी, ज्योति का बी, संतोष का बी, सभी का बी बिल्कुल करेक्ट है, रामायण का भी। 77 खादी प्राकृतिक पेंट अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट विद एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज डेवलप्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स मेन इंग्रेडिएंट। ए ड्राई ग्रास, बी मुल्तानी क्ले, सी चारकोल एंड डी काउडंग। क्वेश्चन नंबर 77 कोमल का डी, अंजलि का डी, प्रदीप का डी, चंद्र प्रकाश का डी, संतोष, श्रवण, सलमा, प्रदीप, ज्योति, सभी का डी एंड डी आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, काउडंग। 78 प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे हु पास्ड अवे वाज द प्रोफेसर ऑफ विच फिजिक्स। ए एस्ट्रोनॉमी, बी न्यूक्लियर फिजिक्स, सी एस्ट्रोफिजिस्ट एंड डी एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 78 बताओ।
प्रदीप का 78 का सी है, श्रवण का सी है, सलाम का ए है, अंजलि का सी है, कोमल का सी है, और जो भी बच्चे 78 का, ज्योति का भी सी है, सलमा का भी, रामायण का भी, एंड जो भी बच्चे सी बोल रहे हैं, सभी का आंसर करेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर। 79th, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल मैंडेटिंग लार्जर कंपनीज टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन वुमेन सर्व ऑन देयर मैनेजमेंट बोर्ड? ए स्पेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस एंड डी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, त्रिपुरारी का सी, सलाम का डी, 79th का, प्रदीप का बी, अंजलि का बी, कोमल का जर्मनी, सलमा का बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी। ठीक है, 79 करेक्ट आंसर इज बी। 80, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड प्रदीप कपूर एज इट्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी वोडाफोन आइडिया, सी भारतीय एयरटेल एंड डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, श्रवण का 80 का सी है, ज्योति का बी है, अंजलि का सी है, प्रदीप का सी है, कोमल का सी है, और सी आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय एयरटेल। ठीक है, 80 का करेक्ट आंसर होगा सी। 81, वेयर डिड इंडियन नेवी कंडक्टेड लार्ज स्केल ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज M6-21 विद आर्मी एंड एयरफोर्स? ए दमन एंड दीव, बी लद्दाख, सी आंदामान एंड निकोबार आइलैंड एंड डी पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, प्रदीप का 81 का सी, अंजलि का सी, प्रदीप का सी, कोमल का सी, सलाम का बी, सलाम ये क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं, सलमा का सी, संतोष का सी, अंजलि सचान, ज्योति सभी का सी, और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंदामान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 82, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च उद्यम सारथी ऐप टू हेल्प यूथ टू एक्सप्लोर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? ए गुजरात, ए हरियाणा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश एंड डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 82, अंजलि का 82 का सी, सलाम का बी, प्रदीप का बी, चंद्र प्रकाश का यूपी, सलमा का सी। तो क्वेश्चन नंबर 82 करेक्ट आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सी होगा करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83, विच एरोस्पेस कंपनी रिक्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस इन जनवरी 2021? ए नासा, बी स्पेसएक्स, सी इसरो एंड डी रॉस कॉस्मस। क्वेश्चन नंबर 83, प्रदीप का 83 का बी, त्रिपुरारी का बी, चंद्र प्रकाश का बी, अंजलि सचान का सी, ज्योति का बी, सलाम का ए, सलमा का सी, हर्ष का बी, एंड करेक्ट आंसर इज बी स्पेस एक्स। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84th, ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन 24th जनवरी 2021, 20-year-old सृष्टि गोस्वामी बिकेम वन डे चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ए हिमाचल, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड एंड डी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 84th, क्वेश्चन नंबर 84th, तो 84th का सभी का आंसर आया है सी, और सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 85, विच कंट्री ओवरटुक जर्मनी विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट करेंट अकाउंट सरप्लस? अ सर्वे बाय द आईएफओ इंस्टीट्यूट। ए चाइना, बी इंडिया, सी यूएसए एंड डी यूके। क्वेश्चन नंबर 85th, क्वेश्चन नंबर 85,
प्रदीप का 85 का ए, त्रिपुरारी का ए, अंजलि का ए, ज्योति का ए, कोमल गुप्ता का ए, सलमा का ए, और 85 करेक्ट आंसर इज ए, चाइना। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क? ए नाटो, बी यूनाइटेड नेशन, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 86। त्रिपुरारी आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 का, त्रिपुरारी का बी है, सलमा का ए है, प्रदीप का बी है, अंजलि का बी है, ज्योति का भी बी है, श्रवण का डी है, सलमा बी, ज्योति बी, एंड करेक्ट आंसर इज बी, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, इंडियन रेलवेज विच जोन हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क नेम्ड वासुकी? ए वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, बी साउदर्न वेस्टर्न रेलवे, सी साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, एंड डी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, तो कोमल गुप्ता अपने जिगरी दोस्त से मांग सकते हो, हर्ष को मिलती है पीडीएफ, तुम्हारे जिगरी दोस्त है वो, आजकल तुम्हारा बहुत ख्याल करते हैं वो। 87, ज्योति का सी है, संतोष का सी है, प्रदीप का सी है, त्रिपुरारी का सी है, विशाल का ए है, सलाम का बी, ज्योति का सी, चंद्र प्रकाश का बी। 87 करेक्ट आंसर इज सी, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, 87 का होगा सी। 88, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पंख अभियान अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन ऑर्डर टू एड इन एम्पावरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, एंड डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 88, हर्ष मैं आपसे चिढ़ी नहीं हूं ना, मैंने बस बताया है कि आप उसके टच में हो तो आप उसको पीडीएफ भेज देना, उसको पीडीएफ मिलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, अंजलि का 88 का ए, सलमा का ए, ज्योति का ए, चंद्र प्रकाश का एमपी, ज्योति, अंजलि, सलमा, रामायण ए, एंड 88 करेक्ट आंसर इज ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 89, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विद टू एयर स्ट्रिप्स ऑन द एक्सप्रेसवे टू फैसिलिटेट इमरजेंसी लैंडिंग एंड टेक ऑफ फाइटर प्लेन्स? ए बिहार, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, एंड डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 89, सुमित आज मैंने ये क्लास रैंडमली लगाई है, कोई क्लास थी नहीं आज ऐसे इस टाइम पे, एक और क्लास लगाऊंगी रैंडमली, वो उसकी मैं लिंक आपको टेलीग्राम पे ही भेजूंगी, पता नहीं किस टाइम लगेगी, लेकिन एक और क्लास लगनी है अभी। एटी नाइन्थ का सारे बच्चों का आंसर है डी, और डी आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। 90, वेयर इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चिल्ड्रन लाइब्रेरी ऑन अ बोट लॉन्च विच विल होस्ट सेशन ऑन बुक्स लॉन्चेस म्यूजिक एंड मोर? ए पुणे, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, एंड डी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का क्या होगा? एक और क्लास अभी आपकी यूट्यूब पे होगी, आज किसी भी टाइम हो सकती है, मैं बता दूंगी आपको, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 90, रामायण का बी, प्रदीप का बी, ज्योति का बी, अंजलि का बी, एंड 90 करेक्ट आंसर इज बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 91, वेयर डिड द 69th प्लेनरी मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? ए शिलोंग, बी गुवाहाटी, सी गैंगटॉक, एंड डी अगरतला। क्वेश्चन नंबर 91, आज आपकी एक और यूट्यूब की क्लास होगी, वो आपके कहाँ पे होगी? किसी भी टाइम होगी, मैं आपका आपको उसका लिंक भेजूंगी, किस पे? टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का चैनल है @SSCEngrave, ठीक है,
और कल से मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे जा रही हूँ, तो आपकी क्लास अब दोबारा कब से स्टार्ट होगी? 7 मार्च से शुरू होगी, जिसकी टाइमिंग रहेगी 1:55 और 4:55 वन अकेडमी ऐप पे, और रात को 9 PM पे रहेगी आपके यूट्यूब पे, सेम चैनल 9 PM यूट्यूब पे। और मेरा नाम सर्च कर लेना, वर्षा सिंह अन अकेडमी पे, और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। कौन सी कैटेगरी में मेरी प्रोफाइल फॉलो करोगे जाकर के? SSC कैटेगरी में। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सभी का ये है, ए इज द करेक्ट आंसर, शिलोंग। 92, विच कंट्री होस्टेड द 2 डे इंटरनेशनल क्लाइमेट अडेप्शन समिट 2021 वर्चुअली? क्वेश्चन नंबर 92, क्या होगा? प्रदीप का 92 का डी है। ज्योति का डी है, चंद्र प्रकाश का डी है, एंड 92 करेक्ट आंसर इज डी, नीदरलैंड। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च इट्स न्यू ऐप कृषि शाखा टू केटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द फार्मर इन द कंट्री एंड गाइड देम अडॉप्टिंग बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी? ए HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सी चोला मंडलम MS जनरल इंश्योरेंस, एंड डी भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 93, प्रदीप का 93 का डी, अंजलि का डी, ज्योति का डी, सलमा का डी, सभी का 93 का डी है, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। 94, इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू डिजाइन मेक एंड लॉन्च अ सैटेलाइट फैब्रिकेटेड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, एंड डी मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 94, अरुण दुबे, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 94, ज्योति का सी, सलमा का सी, प्रदीप का बांग्लादेश सी, कोमल का सी, अंजलि का सी, सलमा का सी, एंड 94th करेक्ट आंसर इज सी, बांग्लादेश। 95, विच बैंक हैज अपॉइंटेड JK शिवम एज MD एंड CEO ऑफ बैंक? ए बंधन बैंक, बी धनलक्ष्मी बैंक, सी करूर वैश्य बैंक, एंड डी RBL बैंक। जीके आर्मी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 95, कोमल गुप्ता, धनलक्ष्मी, प्रदीप धनलक्ष्मी, ज्योति का धनलक्ष्मी, सलमा का धनलक्ष्मी, श्रवण का RBL, एंड क्वेश्चन नंबर 95 करेक्ट आंसर इज बी, धनलक्ष्मी। गणेश का भी धनलक्ष्मी, ज्योति का भी, संतोष का भी। 96, इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स विच रिपब्लिक डे अक्रॉस द कंट्री ऑन 26 जनवरी 2021? ए 73rd, बी 74th, सी 72nd, एंड डी 71st। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, प्रदीप का 96 का सी है, चंद्र प्रकाश का बी है, रामायण का सी है, ज्योति का भी सी है, अंजलि का भी सी है, कोमल का भी सी है, श्रवण का भी, ज्योति का भी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, 72nd। 97, विच कंट्री विल होस्ट द 2022 वुमेन्स एशिया कप एज अनाउंस्ड बाय एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन? ए चाइना, बी UAE, सी जर्मनी, एंड डी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 97, अभी एक और क्लास होनी है यूट्यूब पे, तो टाइमिंग अभी पता नहीं, मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे भेजूंगी, ठीक है? 97, तो 97 का सारे बच्चे को आंसर आ रहा है डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। ठीक है, सभी का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। 98, विच ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नॉवल ली मैरिज डे प्लेसेड वॉन द रोमन रोलैंड बुक प्राइज? ए बंगाली, बी मलयालम, सी तमिल, एंड डी इंग्लिश।
क्वेश्चन नंबर 98। प्रदीप का 98 का ए, श्रवण का बी। हर्ष, अगर टाइमिंग अभी जाननी है तो टाइमिंग होगी रात के 12 बजे। रात के 12 बजे चेक कर लेना, 11-12 के बीच में। 98 का सभी का ये है, बंगाली इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 98 का सभी का ये है बट करेक्ट आंसर इज सी होगा। ठीक है, मैंने फ्लो में बंगाली पे क्लिक कर दिया, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तमिल, आप लोग बंगाली बंगाली लिख रहे थे इसलिए मैंने बंगाली पे गलती से कर दिया, सी तमिल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, काजा कलस हैज बिकम विच कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ए स्लोवाकिया, बी ऑस्ट्रिया, सी एस्टोनिया एंड डी केनिया। क्वेश्चन नंबर 99। हर्ष, फिक्स फिर होगा आपका 11:30। फिक्स अगर टाइम जानना है तो 11:30 बजे हो जाएगा। ठीक है, कोमल गुप्ता, अंजलि का 99 का सी, कोमल का सी, चंद्र प्रकाश का सी, ज्योति का भी सी, रामायण का भी सी, अंजलि सचान का भी सी, श्रवण चंद्र प्रकाश सभी का सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, इस्टोनिया। 100, और ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है। विच बैंक इनॉग्रेटेड इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच एट गिफ्ट सिटी इन गुजरात इन जनवरी 2021, विच वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बैंक टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी टू सेट अप बैंक देयर। ए आईसीआईसीआई बैंक, बी सिटी यूनियन बैंक, बी ड्यूच बैंक एंड डी एचएसबीसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, अंजलि सचान का 100 का डी है। अभी मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे जा रही हूँ, कल से लेकर के 6 मार्च तक, तो प्लीज आप लोग 7 मार्च से क्लास को दोबारा कंटिन्यू करना। 7 मार्च से अनअकैडमी के ऐप पे टाइमिंग होगी 1:55 पे और 4:55 पे, और यूट्यूब की टाइमिंग होगी 9 PM पे। 100 का सभी बच्चों का आंसर है डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, एचएसबीसी बैंक। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग अब 7 तारीख को। तब तक अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, और जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय अंजलि, ज्योति बाय, गणेश बाय, श्रवण बाय। और रात को 11:30 बजे दूसरी क्लास होगी, तो 11:30 बजे आ जाना। वैसे जब मैं लिंक भेजूंगी तभी होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।